तो हेलो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकु शमा में तो गाइस फ्री फायर के अंदर आ चुका है वन पंच मैन का सेवंथ इवेंट जी हाँ गाइस और इस बार गाइस आया हमारा बिल्कुल नया नया डायमंड रॉयल जी हाँ गाइस फिलहाल इसका नाम तो डायमंड रॉयल नहीं रखा गया है लेकिन लक रॉयल रखा गया है लेकिन हम सब जानते हैं कि डायमंड रॉयल की जगह पे आया तो एक तरीके से हम इसको डायमंड रॉयल भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर गई सिक्स डायमंड का एक स्पिन है बहुत ही ज़्यादा महंगा स्पिन है इस डायमंड ऑयल के अंदर और उन्नीस दिन के लिए आया ये अच्छी बात है गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिल चुका है और इसके अंदर गई आप निकाल सकते हो गई साइतामा का पजामाज वाला बंडल जी हाँ गई जब भी साइतामा अपने घर पर रहता है वो यही कपड़े पहनता है जी आ गई अगर आपने वन पंच मैन देखा होगा और ये इमोट अच्छा है ये इमोट भी काफ़ी अच्छा गई ऊपर साइतामा का हेड बन के आ जाता है वो अंडा लगता है लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था वो उसका सर है अंडा नहीं है तो यहां पर गए अभी अभी मैंने गोल्ड वेल के अंदर स्पिन किया जिया गई आपने अपनी दोनों आंखों से बिल्कुल सही सुना तो गाइस यहां पर हमने 10 स्पिन करें गोल्ड के अंदर उसके बाद मैंने टॉपअप करना चाहता हूं 100 डायमंड का और फिर जितने डायमंड हो जाएंगे 253 डायमंड हो चुके हैं तो इसके अंदर हम कितने स्पिन कर पाएंगे चार स्पिन कर पाएंगे तो देखते चार स्पिन के अंदर हमको क्या मिलता है तो दो टोकन मिलेगा जिनका नाम है साईतामा टोकन जिया गई बिल्कुल सही सुना आपने अपनी दोनों आंखों से और ये सिल्वर बॉक्स मिला हमको और एक साईतामा टोकन मिला बाप रे ये हमने किया तीसरा स्पिन जिसके अंदर हमको सिल्वर बॉक्स मिला और चार साइतामा टोकन ओ मांगो तुरु चलिए और ये हमने चौथा स्पिन कराया है इसके अंदर अरे एक साइतामा टोकन न नो, न नो, 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 हो गया तो गाइस यहाँ पर हमको तीन वाउचर मिले और बोनस रिवॉर्ड में वाउचर है क्या बोनस रिवॉर्ड में वाउचर नहीं है तो गाइस ये वाले वाउचर जो है अभी एक इवेंट के अंदर भी मिले थे मेरे को दो मैंने वेपन वेल के अंदर खर्च कर दिए लेकिन आपको सलाह दूंगा अगर आपको भी ये वाले वाउचर मिलते हैं वेपन वेल के अंदर खर्च मत करेगा वेपन वेयल के अंदर डायमंड यूज करेगा क्योंकि उसका स्पिन सस्ता है और इधर स्पिन महंगा है तो इधर वाउचर यूज कर लीजिएगा आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा ठीक है अगर आपके पास

एवरेज के दो या तीन मान के चलिए तो अगर अगर एवरेज के आपके दो भी मिलते हैं तो चालीस से पचास पिन में आपके 100 टोकन हो जाएंगे जिससे आप ये वाला बंडल ले सकते हो और ये चीज लेने के लिए आपको आ, 40 टोकन तो पड़ेगा कम से कम चार हैं तो है। लेकिन डायरेक्टली भी मिल सकते हैं आपको एक ही मिल सकता है तो आपको क्या लगता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप एक दो स्पिन करोगे तो आपको मिल जाएगा लेकिन इसके अंदर डायमंड खर्च करना पड़ेगा भैया जी आगे बिल्कुल खर्च करना पड़ेगा तो मैं तो फिफ्टी परसेंट ऑफ का इंतजार करता हूँ देखते आता है नहीं आता है और गाइस काफी अच्छा बंडल है गाइस और अभी एक येलो वाला बंडल भी आएगा गाइस और उसके ऊपर आज साब को वीडियो आएगी साब को छह बजे तो वो वीडियो भी देख रहा है बिल्कुल भी मत भूलिएगा ठीक है तो उसमें आपको दूसरा वाला बंडल दिखाऊंगा ठीक है और येलो वाला जो वन पंच का दूसरा बंडल है एक और बंडल आएगा टोटल तीन बंडल है इसी बट के अंदर एक जेनोस बंडल भी

रखा वेपन्स में भी आपको एक से एक छोटी छोटी चीज़ अनक्यूप कर देनी है कोई भी चीज़ को इक्विप नहीं रखना है एम टेन फोर्टीन के अच्छे ये मेरे को मेरे ख्याल से गोल्ड ऑयल से मिली होगी तो यहाँ पर चलो छोड़ो उसको और यहाँ पर कहीं आप देख सकते हो पैट भी मैंने कहीं यहाँ पर पंछी वाला ले लिया पंछी वा उड़ता भी नूँ मस्त गगन में तो यही सारी चीज़ें आपको भी कर दिखानी है और यहाँ पर गोल्ड वेल में स्पिन कर लीजिएगा एक दस वाला स्पिन करने से पहले और उसके बाद गई टॉपअप करने के बाद तुरंत स्पिन करेगा ठीक है और सारी चीज़ें अनिक्विप करने के बाद एक बार गेम को रिस्टार्ट करना बिल्कुल मत भूलेगा लेकिन टॉपअप करने के बाद रिस्टार्ट मत करिएगा वरना ना टॉपअप आपका वेस्ट हो जाएगा फिर कोई लक में फर्क नहीं पड़ेगा आप टॉपअप करिए आपका लक बढ़ जाता है और बिना गेम को रिस्टार्ट स्पिन करा करिए ठीक है आपको गेम रिस्टार्ट कब करनी है आपको सब कुछ करने के बाद चाहते हो आपको करना लक बढ़ जाएगा तो उम्मीद कर दूंगा वीडियो जबरदस्त होगी मस्त होगी एकदम सेक्सी होगी अगर आपको अच्छी लगी तो कहीं लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करके आइकन दबा दीजिएगा जाएगा ताकि आप इसी तरह की शानदार शानदार वीडियो बार बार देख सको इस वीडियो का आपके लिए जोरदार क्लैपिंग मिलेंगे